कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। चलिए, मैं राहुल एक नई अपडेट के साथ, एक नई कहानी के साथ आया हूँ गाइज। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। जी, हमारे पास 7 तरीके होते थे जो मैं खुद पढ़ाऊँ और खुद क्रैक किया हूँ गाइज। आज मैं वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइज, क्योंकि मैंने अपने ऊपर फॉलो किया, ये फॉलो हुआ था। ठीक है, एट लास्ट मेरे साथ भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। देखिए, आदमी जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, उसी तरह से मैंने भी जोर लगाए थे, पत्थर पानी बना लेकिन थोड़ा सा बना। तो उसी तरह आपको भी एक मेहनत करनी है गाइस। चलिए मैं आपको तरीके बताता हूँ, मैं राहुल एलियो अपडेट की तरफ से आपको एक न्यू अपडेट के साथ। देखिए गाइस, अगर आपको लगे कि आपको एंट्रेंस रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी बात की असुविधा हो रही है, तो गाइस आपको अपना व्हाट्सएप उठाना है। सीधा सीधा हमें क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर हमें ये जस्ट इशू हो रहा है, आप इससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन बताए। जी हाँ गाइज, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। नंबर है 8400115640। गाइज, आज आपको, चलिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ गाइज, जो मैंने खुद फॉलो किया है, आज आपको वही बता रहा हूँ गाइज। इससे प्रॉफिट तो हुआ है। ट्रिक्स टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम 2020 भाई राहुल। ठीक है, मैं जिस तरह से क्रैक किया हूँ उसी तरह से मैं आपको भी यही मेहनत करना गाइज। सबसे बड़ी, एक सबसे अच्छी अहम बात है गाइज, कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले वहाँ के बारे में पहले क्या पता करना चाहिए कि वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है गाइज। केवल BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर देती है, बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं देता है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 85-90% जो होता है क्वेश्चन, वो आपके BHU से मैच करता है। इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा गाइज। ये हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड जो टिप्स है, ट्रिक्स है गाइज, आपके पास अगर लग गया, आप क्वेश्चन पेपर मिल गया है, आप क्या करो, एक प्रॉपर एक छोटा सा रिविजन नोट्स बनाओ, कोई भी एक छोटी सी टॉपिक पे, मतलब एक छोटा सा स्टडी मटेरियल तैयार करो, छोटा सा नोट्स बनाओ जो आपको सबसे इजी लगे पढ़ने में, अपने तरीके से एक नोट्स बनाओ। ठीक है, थर्ड थिंग गाइज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया, आपने रिवीजन नोट्स तैयार करना शुरू कर दिया गाइज, अब आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपको ये पता करना होगा आखिर यूनिवर्सिटी में पूछे क्या जा रहे हैं, सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ना गाइज। सिलेबस क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या था उसके 3-4 साल के, तो इसीलिए तो मैं सबसे बड़ी आपको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेकंड थिंग ऑलवेज दिमाग में रखिए कि वहाँ का सिलेबस क्या है। उसके बाद से गाइज, आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए गाइज। नहीं आज पढ़ना है, इतना क्वेश्चन करना है, 2 पेपर सॉल्व करने हैं, 3 करने हैं, आज आपको सेवी पूरा फाइनल करना है, पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़ना है, ये BCOM लेवल पे की बात कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह से एक टारगेट बना के चलना होगा, आज करना है तो करना है, भले ही कोरोना कितना मारे, कोरोना का रोना मत रो गाइज, क्योंकि दुनिया रो रही है तो आप क्यों रो रहे हो, सबको तो लड़ना है, सबको मरना है, आज मरो या कल मरो, तो गाइज कोरोना का रोना मत लो ना, एक टारगेटेड स्टडी करो कि आज करना है तो करना है। अब गाइज, जो हमारा 5th प्लान है, स्टडी विथ प्रॉपर प्लान, मतलब कोई भी चीज़ करो तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। हाँ करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे, रिजल्ट क्या होता है उससे आपको, रिजल्ट की चिंता मत करो। देखो, मेहनत किए रहोगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, अगर टाइम पास किए रहोगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा गाइज। मैं तो सीधा हमेशा मैं जो बात करता हूँ गाइज क्लियर कट करता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे गाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद से गाइज आपको क्या करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने से पहले, देखो ये 99% में सही फैक्ट बात है गाइज, कभी भी यूनिवर्सिटी न्यू क्वेश्चन पेपर डिजाइन करती है, लेकिन 90% से 85% जो क्वेश्चन होते हैं गाइज वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो टारगेट ये रखो कि जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो उसके उसका आपके पास कम से कम 10 पेपर होने चाहिए, 10 से 15 पेपर होने चाहिए, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए गाइज। कैसे रटना है, रटने का काम क्या है गाइज, जब एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4th बार पढ़ोगे, तो उसका क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर का आंसर रट जाएगा गाइज। इस तरह से मैंने, क्योंकि मैं CPT के एंट्रेंस CPT में किया था, मैं CA की तैयारी करता था, CPT में यही हाल मेरे साथ हुआ था गाइज, मैं जब बुक खोलता तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तक रट गया था। तो गाइज इस तरह से आपको बनना, अपने आप को ऐसे बनाना है गाइज। और उसके बाद से आपको क्या करना होगा, टाइम सेट करना होगा, माइंड सेट, मतलब आप कौन सी स्ट्रेटजी, मतलब दिमाग बनाना होगा पढ़ने के लिए कि हाँ इस समय क्या, ये समय सही है पढ़ने के लिए, क्या माहौल अच्छा है। आप हमेशा अपने माइंड सेट पर डिपेंड करिएगा गाइज, क्योंकि जब तक आपका माइंड एकत्रित नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है गाइज, 90 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट है गाइज, तो
तो इसमें क्या होगा, आपको टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, मीन्स आपका क्वेश्चन टाइम क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है गाइज, आपको डेली ट्राई करिएगा कि कहीं ना कहीं से आपको MCQ मिल जाए, एक ट्राई करिए, मतलब MCQ का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टारगेट में ला दीजिए, आदत डाल दीजिए। आज से मान लीजिए आज आपका है 19 मार्च, एंट्रेंस कब आपके होंगे, मई में, 1 मई से सभी जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके एंट्रेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज अभी आपके पास टोटल है 45 दिन, यार 45 दिन में तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो बोर्ड एग्जाम दे के आया था, उसके बाद से मेरा CPT का पेपर था, तो मैंने गाइज कुछ नहीं किया था, मैं स्कैनर उठाता था, बस पढ़ना शुरू करता था, और वही रिपीटेड क्वेश्चन, भगवान का भरोसा था, मैंने CPT एक ही बार में क्लियर कर लिया था। तो गाइज ये क्या है, बस यही तरीका होता है गाइज पढ़ने का, जो मैंने फॉलो किया था, अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर प्रॉफिट होगा गाइज, क्योंकि कॉमर्स वाले हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं गाइज, जहाँ से प्रॉफिट हो वही अपना है गाइज, तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखो गाइज। आगे की कोई भी असुविधा हो गाइज, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गाइज, तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, मैसेज मी, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और कॉमर्स वालों परेशान ना हो को, कोई भी एंट्रेंस वाले परेशान ना हो को, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कॉमर्स वालों का स्टडी मटेरियल लाइव लगभग 40% तक मैंने तैयार कर दिया, 60% और बचे हैं जो मैं आप तैयार करूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आगे की अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको बड़ी से बड़ी अपडेट दे पाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।